अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। तभी तो 4,500 से ज्यादा साल गुजर गए, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड वक्त की मार झेलते हुए जैसा का तैसा खड़ा है। इतने लंबे समय में वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ गीजा का एक महान पिरामिड ही बचा है। बाकी के 6 प्राचीन अजूबे वक्त की मार में कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। जब भी हमें अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी पर घमंड हो तो हमें वक्त में एक बार पीछे मुड़कर गीजा के इस महान पिरामिड को जरूर देखना चाहिए। क्या हमने अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ बनाया है जो बिना किसी मेंटेनेंस के गीजा पृथ्वी पर जगह जगह पिरामिड्स मौजूद हैं? लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड रहस्यों से भरा पड़ा है। ग्रेट पिरामिड के रहस्यों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है और ये प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक है। दरअसल इजिप्ट में गीजा के कायरो शहर के पास 3 पिरामिड्स का एक समूह है, जिनमें से एक है द ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है, इसे खुफू का पिरामिड भी बोला जाता है। इन तीनों पिरामिड्स के साथ ही यहाँ पर मौजूद है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका सिर इंसान का है और धड़ शेर की तरह। ऐसा लगता है जैसे ये इन तीनों पिरामिड्स की रखवाली कर रहा हो। चलिए अब जानते हैं कि इन विशाल स्ट्रक्चर्स में वो कौन से रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों को परेशान करते हैं। परफेक्ट ज्योमेट्री एंड जियोग्राफी। इस ट्रायंगल को देखिए, ये बिल्कुल पिरामिड के आकार का ही है। इसकी एक साइड इस मिथिकल क्रिएचर यानी स्फिंक्स के सिर से गुजरती है। अगर हम ग्रेट पिरामिड के आधार की आउटलाइन बनाएं और उसको राइट साइड में खिसका के पिरामिड के आधार के एक साइड में अलाइन कर रहे हैं और इस बॉक्स से एक सीधी रेखा मिथिकल क्रिएचर तक खींचें तो वो भी इस स्फिंक्स के सिर से गुजरती है। और अगर ग्रेट पिरामिड और इसके पास मौजूद दूसरे पिरामिड के सेंटर पॉइंटों से गुजरने वाला इस तरह से एक सर्किल खींचें तो वो भी स्फिंक्स के सिर से होकर गुजरता है। क्या ये एक इत्तफाक है या प्राचीन मिस्रवासियों ने ये जानबूझकर बनाया? ग्रेट पिरामिड को अंतरिक्ष में मौजूद नक्षत्र यानी स्टार कॉन्स्टिलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर ग्रेट पिरामिड के चारों कोनों को देखा जाए तो ये अंतरिक्ष में मौजूद 4 नक्षत्रों को दर्शाते हैं और ये नक्षत्र हैं वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ग्रेट पिरामिड 2 परफेक्ट एक्सिस पर बना है जो पिरामिड से इस तरह से गुजरती हैं। एक्वेरियस लियो एक्सिस पर स्फिंक्स बना है जो कि सिंह नक्षत्र की ओर है। क्या ये भी एक इत्तफाक है? क्या आपको पता है कि अगर आप वर्ल्ड का मैप लो और उसमें पृथ्वी का सेंटर निकालो तो वो कौन सी जगह होगी? ये एक इत्तफाक है या सोची समझी प्लानिंग मुझे नहीं पता, लेकिन अर्थ का सेंटर वही है जहाँ गीजा का ग्रेट पिरामिड बना है। अब ये सोचने वाली बात है कि हमें कुछ सदी पहले ही पता चला है कि पृथ्वी गोल है। उससे पहले तो यही माना जाता था कि पृथ्वी फ्लैट है। तो आखिर आज से 4,500 साल पहले प्राचीन मिस्रवासियों को कैसे पता चला पृथ्वी के सेंटर का? क्या उनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी या इसके पीछे किसी बाहरी सभ्यता का हाथ था? ग्रेट पिरामिड के इत्तेफाक यहीं खत्म नहीं होते। पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि ये चारों दिशाओं को दर्शाता है और इसका एक सिरा नॉर्थ पोल को अलाइन करता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा एरर है, लेकिन वो भी 4,500 सालों में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से है। आखिर उनको दिशाओं की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? ये तो आपको पता ही होगा कि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को जब पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन यहाँ से सूर्य कुछ इस तरह से अस्त होता हुआ दिखता है, जैसे मानो कि सूर्य उस मिथिकल क्रिएचर के पीछे से अस्त हो रहा हो। 1989 में एक थ्योरी पब्लिश हुई थी जिसे ओराइन कोरिलेशन थ्योरी बोलते हैं। आसमान में एक ओराइन बेल्ट मौजूद है जिसमें 3 तारे हैं जिनका नाम है एलनाइटक, एलनाइलेम और माइनटेका। गीजा के ये पिरामिड्स ओराइन बेल्ट में मौजूद इन तीनों तारों से अलाइन करते हैं और ये सच में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इन पिरामिड्स को इस तरह से क्यों बनाया गया था। क्या इसमें भी किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता का हाथ था? प्राचीन मिस्रवासियों के एक गॉड थे ओसायरिस। मिस्रवासियों का मानना था कि ओसायरिस जन्म और मृत्यु के देवता थे जो कि मरने के बाद आत्मा को फिर से नया जन्म देते थे। मिस्रवासियों के अनुसार ओराइन बेल्ट में मौजूद ये तारे उनके भगवान ओसायरिस का घर हैं। खैर जो भी हो, लेकिन ये सब इत्तेफाक तो नहीं लगते। ऐसा लगता है कि इन पिरामिड्स को एक सोची समझी योजना के अनुसार बनाया गया था, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जितने भी पिरामिड्स मौजूद हैं उन सबको एक ही समय काल में बनाया गया था। अब ये कैसे संभव है कि उस समय उनके पास ना तो ट्रैवलिंग के कोई साधन मौजूद थे और ना ही उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे वो पृथ्वी के दूसरी साइड मौजूद सभ्यताओं से बात कर पाते? लेकिन फिर भी पृथ्वी पर जगह जगह एक ही शेप में बने पिरामिड मौजूद हैं जिनको एक ही समय काल में बनाया गया था।
ऐसा लगता है कि या तो 4,500 साल पहले उनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी या फिर उनकी किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता ने मदद की थी। ऐसा लगता है कि इतिहासकारों से 4,500 साल पहले की कोई न कोई कड़ी तो छूट रही है जो आज कई अनसुलझे सवाल पैदा करती है, जिनकी गुत्थी सुलझाने में आज हम उलझे हुए हैं। ये तो हमने पिरामिड्स की परफेक्ट ज्योमेट्री और ज्योग्राफी को जाना, लेकिन पिरामिड के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। वैज्ञानिकों को पिरामिड्स के बारे में जो सवाल असमंजस में डालते हैं, उनमें से पहला है कि आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था? क्या ये मिस्रवासियों के राजाओं के मकबरे हैं? क्या इनमें उस समय खाने पीने के सामानों को संरचित किया जाता था? क्या ये उस समय के किसी साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे? क्या ये किसी तरह के पावर हाउस थे? ऐसे सवाल तो बहुत हैं, लेकिन सटीक जवाब कोई भी नहीं। लेकिन एक आम धारणा के अनुसार प्राचीन मिस्र में मरे हुए मनुष्यों को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहां मृत शरीर को एक लेप चढ़ाकर ममी बनाकर कब्र में रखने की रिवाज थी। उस लेप की वजह से वे हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकते थे। दरअसल प्राचीन मिस्रवासी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान का जीवन चलता रहता है। इसी वजह से उनके शवों के साथ वे लोग खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर, वो सारी चीजें जो जीवन यापन के लिए जरूरी होती हैं, वो सब उनके साथ रखते थे। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र के प्राचीन राजाओं की कब्र हैं, जिनमें उनको ममी बनाकर दफनाया जाता था, और द ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा खुफू की कब्र है। चलिए मान लेते हैं कि मिस्र के पिरामिड वहां के प्राचीन राजाओं के मकबरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मिस्र में जितने भी पिरामिड हैं, उनमें आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी ममी क्यों नहीं मिली? ममी तो छोड़ो, वहां पर आज तक कोई भी ताबूत नहीं मिला। इससे ये तो साबित होता है कि पिरामिड्स मकबरे तो नहीं हैं, बल्कि वो कुछ और ही हैं, और उनको बनाने के पीछे कुछ और ही मकसद था। जितना ये सवाल रहस्यमयी है कि आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था, उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी सवाल है कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। और इस सवाल का जवाब हमारे पास आज भी नहीं है कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था, क्योंकि भव्य पिरामिड का निर्माण उस दौर में हुआ था जब ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था जिससे भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सके, और ना ही उस समय लोहे जैसी किसी धातु की खोज हुई थी जिनसे बने औजारों से वो भारी भरकम पत्थरों को काट सकते और तराश पाते। लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों ने उस समय बिना किसी धातु के औजार के उन पत्थरों को कैसे काटा होगा, कैसे उनको तराशा होगा, उन्होंने बिना पहिए के उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया होगा? मैं आपको बता दूं कि ग्रेट पिरामिड का वजन 57,50,000 टन है। आपकी तुलना के लिए बता दूं कि आज की आधुनिक इमारत बुर्ज खलीफा का वजन महज 5,00,000 टन है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भारी है ग्रेट पिरामिड। आपको बता दूं कि आईफेल टावर के बनने से पहले तक ग्रेट पिरामिड इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। ये पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और इसका आधार 13 एकड़ में फैला है। आपकी तुलना के लिए बता दूं कि इसका आधार 16 फुटबॉल मैदानों जितने एरिया में फैला है। इसमें 23,00,000 से ज्यादा चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन 2,700 किलोग्राम से लेकर 80,000 किलोग्राम तक है। अब सवाल ये है कि इतने भारी पत्थर बिना किसी क्रेन के इतने ऊपर कैसे पहुंचाए? आम धारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड का निर्माण 20 सालों में पूरा हो पाया था, और भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों से काटकर लकड़ियों और रस्सियों से खींचकर लाया गया था। लेकिन अगर पिरामिड को ऐसे ही बनाया गया था तो उनके पास सिर्फ 2.5 मिनट होता था, जिसमें किसी पत्थर को पहाड़ से काटने, उसका वहां से मरुस्थल तक लाने और उस पत्थर को तराशने और फाइनली उस पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लगाने में। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड में लगे पत्थरों को 500 मील दूर से लाया गया था। ये सोचने में बड़ा ही साइंस फिक्शनल लगता है कि सिर्फ 2.5 मिनट में ही इतने भारी पत्थर को काटने, लाने, तराशने और ऊपर चढ़ाने का काम किया जाता था, तब जाके 23,00,000 पत्थरों को 20 साल में इस पर चढ़ाया गया होगा। अनबिलीवेबल। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऐसा कर पाना असंभव है। या तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी, या इनको बनाने के पीछे किसी दूसरे ग्रह की इंटेलिजेंट सभ्यता का हाथ था। खैर जो भी हो, उनके पास कोई न कोई ऐसी तकनीक तो जरूर थी जो आज हमसे छिपी हुई है। अद्भुत इंजीनियरिंग। गीजा का ग्रेट पिरामिड बेमिसाल इंजीनियरिंग का सबूत है। इसकी झुकी हुई त्रिकोणीय दीवारें जमीन से 52 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसके कमरे इतने कुशलता से बने थे कि अंदर जाने का कोई रास्ता न था। पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं, लेकिन ये टनल क्यों बने हैं ये कोई नहीं जानता।
पहले ऐसा माना जाता था कि इनको वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा जिससे इसमें हवा आसानी से आ जा सके, लेकिन जब इन टनल में रोबोट के द्वारा देखा गया तो पाया कि टनल तो बंद है। मतलब इसमें मौजूद टनल्स का इस्तेमाल वेंटिलेशन के लिए तो नहीं, लेकिन किसी खास मकसद के लिए किया गया होगा। ग्रेट पिरामिड में अभी तक केवल 3 चैम्बर्स को ही खोजा जा सका है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल 3 ही चैम्बर हैं, इसमें और भी चैम्बर्स मौजूद हैं, लेकिन हमने अभी तक इसके सिर्फ 3 ही चैम्बर्स को डिस्कवर किया है, जिसमें सबसे नीचे वाला है बेस चैम्बर, बीच वाला है क्वींस चैम्बर और सबसे ऊपर वाला है किंग्स चैम्बर। ग्रेट पिरामिड की उत्तरी और दक्षिणी दीवारों पर 2 छोटे छोटे शाफ्ट बनाए गए हैं, जिसमें दक्षिणी दीवार की शाफ्ट ओरियन बेल्ट की ओर है और उत्तरी शाफ्ट रैंडमली उत्तर दिशा के आसमान में है। 2011 में क्वींस चैम्बर में एक रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा गया तो उसने देखा कि सामने रास्ता बंद है, लेकिन सामने मौजूद पत्थर में एक मेटल की इस तरह की पिन लगी हुई थी। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि इसके पीछे एक और चैम्बर हो सकता है, जब उन्होंने उस पत्थर में एक छोटा सा होल किया जिसमें से एक छोटे रोबोट को भेजा गया तो रोबोट में लगे कैमरे ने एक फोटो खींचा जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन इसके बाद वो कैमरा काम करना बंद कर गया और आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। तब से लेकर अब तक वहाँ की गवर्नमेंट फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए किसी को भी अलाउ नहीं करती। वहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर पिरामिड की गुत्थी सुलझ गई तो वहाँ पर टूरिस्ट का आना कम हो जाए। लेकिन ये तो तय है कि ग्रेट पिरामिड में बहुत से रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक हमसे छिपे हुए हैं। हो सकता है कि अगली बार एक्सप्लोरेशन में वो हमारे सामने आ जाएं। चलिए अब ग्रेट पिरामिड के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स को जानते हैं। ये पिरामिड भूकंपरोधी है, मतलब इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तेज भूकंप के झटकों को भी झेल सकता है और ये 4,500 सालों से तेज भूकंपीय कंपनों को झेलता आ रहा है। ऐसी शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी आज से 4,500 साल पहले असंभव लगती है। सिर्फ भूकंप ही नहीं बल्कि इसके पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है कि ये हीट एक्सपेंशन को भी झेल सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें पत्थरों के बीच जॉइंट इस तरह से लगाए गए हैं जिनमें एक ब्लेड को भी नहीं घुसाया जा सकता। अकेला ग्रेट पिरामिड ही रहस्यमय नहीं है बल्कि उसके पास बनाए मिथिकल क्रिएचर द ग्रेट स्फिंक्स भी बहुत से रहस्यों को दबाए हुए है। अगर इतिहास की कोई सबसे बड़ी मूर्ति है तो वो यही है, जो कि 73.5 मीटर लंबी है और ये 20 मीटर ऊंची है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको पिरामिड की तरह अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बड़े पत्थर में से इस मूर्ति को तराशा गया है। दरअसल पिरामिड का रेगिस्तानी इलाके में होने की वजह से हजारों सालों से ये मूर्ति रेत में दफन थी, जमीन पर सिर्फ इसका ऊपरी सिरा ही दिखाई देता था। लेकिन साल 1900 में इसके आसपास से रेत को हटाया गया और इसकी पूरी शेप लोगों के सामने आई। साल 1995 में जब इस स्टैचू को रिनोवेट किया जा रहा था तब वर्कर्स ने एक्सीडेंटली इसके नीचे टनल्स को डिस्कवर किया जो कि सीधे इसके नीचे जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि जब इस स्टैचू को बनाया गया होगा तब ये कुछ ऐसा दिखता होगा, लेकिन हजारों सालों से आए कुछ बदलावों की वजह से ये कुछ ऐसा हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी है, मतलब इसके अंदर साल के 12 महीने 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गीजा का पिरामिड रेगिस्तानी इलाके में बना है जहां भीषण गर्मी रहती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर का तापमान आइडियल रहता है। क्या आपको पता है कि 12वीं सदी के अंत में इजिप्ट के एक सुल्तान अल अजीज ने गीजा के पिरामिड्स को तोड़ने की कोशिश की थी। अब ये तो सुल्तान ही जाने कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहा था, लेकिन लगातार 8 महीनों तक जिन वर्कर्स ने पिरामिड्स को तोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने 8 महीनों में इस पिरामिड को इतनी क्षति पहुंचाई थी, वो मुश्किल से एक दिन में एक या दो पत्थर ही निकाल पाते थे। फाइनली 8 महीनों बाद हार मानकर अल अजीज ने अपना फैसला बदल दिया और पिरामिड को तोड़वाना बंद कर दिया। आपको बता दूं कि ये पिरामिड ग्रेट पिरामिड के पास बना छोटा वाला पिरामिड है। वैसे अच्छा हुआ कि अल अजीज ने अपना फैसला बदल दिया, नहीं तो उसका सारा जीवन निकल जाता, लेकिन फिर भी ये पिरामिड्स टूटने वाले नहीं थे। हालांकि उसकी इस कोशिश ने मैन कायर के पिरामिड पर ये बड़ा सा गड्ढा बना दिया। पावर प्लांट थ्योरी। पिरामिड्स पर दी गई एक मॉडर्न थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पिरामिड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता था। इस थ्योरी के अनुसार ये कोई मकबरे नहीं बल्कि बड़े बड़े पावर प्लांट थे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी और इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग पूरे मिस्र में किया जाता था। इजिप्ट में एक मंदिर है जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। ये इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। वैसे तो इस मंदिर में काफी रहस्यमय आर्ट छिपी हुई है, उन्हीं में से एक है ये आर्ट। इसे डेंडेरा लाइट बोला जाता है। ये तस्वीर देखने में आधुनिक लाइट बल्ब की तरह दिखती है।
अगर ये एक लाइट बल्ब की तस्वीर है तो डेफिनेटली प्राचीन इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी, जो कि बड़े बड़े पावर प्लांट यानी पिरामिड से आती थी। क्या पिरामिड्स का निर्माण इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया गया था? एरिक वॉन डेनिकन थ्योरी। एरिक वॉन डेनिकन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। इस किताब में एरिक वॉन डेनिकन ने एक अलग ही थ्योरी दी थी। एरिक के अनुसार पिरामिड्स का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि दूसरे तारामंडल से आए परग्रही जीवों ने किया था। एलियंस ने ही अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा परफेक्ट ज्योग्राफी और ज्योमेट्री को देखते हुए अपनी आधुनिक मशीनों से इन पिरामिड्स का निर्माण किया था। दरअसल इतने भारी भरकम पिरामिड्स एलियंस की वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाएं थीं, जिनमें वो अपने वैज्ञानिक परीक्षण करते थे। वैसे पिरामिड्स के बारे में थ्योरी तो बहुत हैं और सभी थ्योरी सुनने में बहुत मजेदार लगती हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी सच है ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि पिरामिड्स को आखिर क्यों बनाया गया था। कोई नहीं जानता कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। 4,500 सालों से खड़ी ये विशाल इमारत अपने अंदर कितने रहस्यों को दबाए है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम इन सभी गुत्थियों को सुलझा लेंगे। दोस्तों, पिरामिड्स के बारे में आपके क्या विचार हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो